ग्वालियर शहर की थाटीपुर पुलिस ने सिविल हॉस्पिटल की महिला नर्स और उसके दो सहयोगियों के खिलाफ में सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया है। रेलवे में पहले क्लर्क और फिर आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनवाने के नाम पर चार युवकों से लगभग 28 लाख रुपये महिला नर्स चंद्रलेखा जैन, भानु प्रताप सिंह बैस और विक्रम सिंह राणा ने झटक लिए थे। यह सिलसिला पिछले 2 महीनों से लगातार जारी था। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। महिला नर्स चंद्रलेखा जैन की मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले शिवम रावत से अच्छी खासी पहचान थी। इसी का फायदा उठाकर उसने शिवम रावत के रिश्तेदारों को नौकरी का झांसा देकर चूना लगाया। ठाटीपुर थाने में 4 लोगों के साथ में धोखाधड़ी की गई है नौकरी के नाम पे। उनको चंद्रलेखा जैन और उनके दो अन्य साथी हैं, हॉस्पिटल में कर्मचारी है, वहाँ पे मेडिकल स्टोर पर काम करता था पीड़ित जो है, तो उसको उसकी पर्सनालिटी देख के उसको विश्वास दिलाया कि तुम्हें तुम तो पुलिस के भर्ती के लायक हो, आरपीएफ में और जीआरपी में हम तुम्हें भर्ती करवा देते हैं, ऊपर हमारी बहुत अच्छी सेटिंग है। तो ऐसे उससे बोला और 2-3 लोग इकट्ठे कर लो, तो ऐसे उसने अपने परिवार के टोटल 4 लोगों को बात करी, उनने 4 लोगों की तो 28 लाख रुपये 7 लाख रुपये पर आदमी के हिसाब से लिए और उनको फर्जी दिल्ली से एक आदेश जारी एक आदेश जो है अपॉइंटमेंट का आदेश भिजवा दिया। जब उनने मिठाई वगैरह बांट दी और जब पता चला कि वो तो फर्जी आदेश है, फिर उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने टालाटुली कर दी, तो चारों ने मिलकर आवेदन दिया, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें और भी धाराएं बढ़ेंगी जो इनके द्वारा आरपीएफ में रेलवे में आरोपी ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। आरोपी महिला जो है वो नर्स है। यहाँ पे गिरफ्तारी अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में है, पूरा दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद ही गिरफ्तारी की जाए।